यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर संस्कृत पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपका ग्रेड टू में एक पेपर पूछा गया था, उसके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि एक प्रैक्टिस बनी रहे और एक आइडिया रहे कि व्यापम जो है किस तरीके की लैंग्वेज में आपसे प्रश्न पूछता है। वैसे नॉर्मली आप देखेंगे तो व्यापम का जो पैटर्न होता है वो पूरा इतिहास से पूछता है, जैसे कि पुराने वेद हो गए, शास्त्र हो गए, ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, उसके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वही सारा एक प्रैक्टिस आज के सेशन में हम लोग करेंगे और देखेंगे कि कितने ज्यादा से ज्यादा किस टॉपिक पर या पर्टिकुलर ऐसा कौन सा टॉपिक जिसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के आप नोट्स बाय करना चाहते हैं, सीडीपी के नोट्स बाय करना चाहते हैं, तो आप इसे खरीद सकते हैं। सीडीपी के 2500 क्वेश्चन की सीरीज अवेलेबल है, जिसे आप ओनली 150 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। और ईवीएस के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है 300 रुपीज में, उसमें आपका पूरा पैडागोजी भी रहेगा, साथ में आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और साथ में आपके जो चैप्टर वाइज नोट्स है वो सारे विद क्वेश्चन अवेलेबल है, तो उसे आप 300 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7708 03840 पर जाकर। यदि आप व्हाट्सएप करते हैं तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। और डेमो के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसका डेमो वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भिन्न प्रकृति पद को चुनिए, इसमें जो जो भिन्न आपको लग रहा है वो उसे चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास निरुक्तम है, दूसरा आपके पास मीमांसा है, तीसरा आपके पास कल्प है और फोर्थ आपके पास शिक्षा है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर अलग क्या लग रहा है, क्या निरुक्तम अलग हो सकता है, इन चारों में से अलग क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वेदों की, वेदांग की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको पता है वेदांग 6 होते हैं, ठीक है। अब वो 6 कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा जिसे आप प्रतिशाब्दी भी बोलते हैं, ये आपका पहला वेदांग होता है। दूसरा होता है आपका व्याकरण, ठीक है, ये 6 हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तीसरा आपका होता है निरुक्त, ठीक है, तीसरा आपका होता है निरुक्त। और फोर्थ आपका होता है छंद्र शास्त्र, ये आपके वेदांग में ही आते हैं, ठीक है, टोटल 6 होंगे। फिफ्थ आपका होता है ज्योतिष और सिक्स होता है आपका कल्प, ठीक है। कल्प आई थिंक नॉर्मली हम लोगों ने सुना हुआ भी रहता है कि कल्प में पूरा जीवन का विस्तृत वर्णन रहता है, लाइक जन्म की अवस्था, उपनयन की अवस्था, विवाह की अवस्था, देन अंत्येष्टि के बारे में, देन यज्ञ के बारे में। तो सारे इनकी जो जानकारी है, यज्ञ की, जन्म की, उपनयन की, विवाह की, अंत्येष्टि की, तो ये सारी आपको कल्प के अंदर मिलती है। तो ये सारे आपके 6 वेदांग है, जिसमें से आपके पास निरुक्तम आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर कल्प भी दिख रहा है और आपको यहाँ पर शिक्षा भी दिख रहा है, जिसे हम लोग प्रतिशाब्दी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4-3 तो यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन मीमांसा इसका भाग नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अलग है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लिखना चाहे तो ये लिख लेना, ये 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त करके, छंद शास्त्र, ज्योतिष और कल्प, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथस्य अपर नाम किम्। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसका और नाम क्या हो सकता है, शब्दानुशासनम, वाक्यपदीयम, महाभाष्य या फिर सरस्वती कंठा भरणम। तो पाणिनि अष्टाध्याय ग्रंथ से अपर नाम है शब्दानुशासनम, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा गया क्वेश्चन था, एज इट इज ये लाइन जो है एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिलेगी। तो संस्कृत पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी को, अगेन वही बोलूंगी मैं, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। चलिए तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में अपन यहाँ पर देख लेते हैं। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, ठीक है, ये इसको जो है शब्दानुशासनम के नाम से भी जाना जाता है और इसे त्रिमुनि व्याकरण के नाम से भी आप जान सकते हो। पाणिनि व्याकरण जो है उसको त्रिमुनि व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर आप बात करेंगे तो शब्दानुशासनम जो है, जो हमारा आंसर भी है, शब्दानुशासनम जो है व्याकरण महाभाष्य जो है इसका प्रथम सूत्र है। व्याकरण महाभाष्य का प्रथम सूत्र आप इसे बोल सकते हैं, ये प्रथम सूत्र है। इसमें टोटल 8 अध्याय है और प्रत्येक में 4 पद है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि 8 अध्याय है और प्रत्येक में 4 पद है और लगभग 4000 सूत्र के लगभग आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसे एक नाम से और जाना जाता है, जैसे शब्दानुशासनम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक त्रिमुनि व्याकरण करके भी इसे जाना जाता है और एक इसे सर्ववेद परिषद शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है आप उसे नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। सर्ववेद परिषद शास्त्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। त्रिमुनि व्याकरण हमने देख लिया, अब इसे त्रिमुनि व्याकरण क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको तीन मुनि के नाम पता होंगे, संस्कृत के तीन मुनि हैं। एक हमारे पाणिनि है जो अष्टाध्यायी के रचयिता है,
ये सूत्रकार है, ठीक है। फिर त्रिमुनि में दूसरे आ जाते हैं हमारे कात्यायन, कात्यायन आ जाते हैं। ये वर रुचि ये वर्तिकाकार के अंदर आते हैं, वार्तिक के रचयिता आप इन्हें बोल सकते हैं। फिर थर्ड हमारे आते हैं पतंजलि, ठीक है, 200 ईसा पूर्व आप इनको बोल सकते हो। ये भाष्यकार है और ये महाभाष्य के रचयिता भी, ठीक है। तो ये त्रिमुनि हमारे संस्कृत के हैं, पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि है। पाणिनि सूत्रकार, अष्टाध्यायी के रचयिता, कात्यायन जो है वर रुचि वर्तिकाकार, वार्तिक के रचयिता, पतंजलि भाष्यकार है, महाभाष्य के रचयिता है। तो ये त्रिमुनि हमारी संस्कृत व्याकरण के हो गए। और अभी आपसे पूछा गया था कि पाणिनि अष्टाध्याय ग्रंथ का एक अपर नाम और क्या है, तो इनका अपर नाम या दूसरा नाम शब्दानुशासनम है। क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि जो साधु वाक्य होते हैं वो अनुशासन का पालन करते, इस तरीके से इनके द्वारा बताया गया। क्योंकि देखो दो तरीके की चीजें होती है, एक तो होता है लौकिक व्यवहार, लौकिक व्यवहार, और एक होते हैं वेद वाक्य। तो इनका ऐसा मानना था कि जो लौकिक व्यवहार में जो हम लोग पद प्रयोग करते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं, वो बदलते रहते हैं, उनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वेद वाक्य कभी बदलते नहीं है, वो स्टैटिक रहते हैं, उनको जैसा लिखा गया है वैसा ही पढ़ना होता है। तो इस तरीके से इनकी बात यहाँ पर इन ग्रंथों में की गई है। वैदिक ग्रंथ, वैदिक जो शब्द होते हैं उनको मंत्रस्थ जैसे लिखा गया है, एज इट इज हमें पढ़ना होता है, तो इस तरीके से बात यहाँ पर की गई है। ओके तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। काल विधान शास्त्रे किमित उच्यते, शिक्षा, निरुक्तम, ज्योतिषम या फिर छंदस, यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो देखो काल विधान शास्त्र की बात कर रहे हैं, काल वही समय की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको कहाँ पर मिलेगी, ज्योतिष के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वेदांग ज्योतिष में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलती है, और इसमें ये चीज मानी गई है, काल विधान में ये चीज मानी गई है कि जब भी आप कोई कार्य ग्रह नक्षत्र देखकर करते हैं, उचित ग्रह नक्षत्र में यदि देखकर आप यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, आपके ग्रह नक्षत्र आपने देख लिए हैं, आप उसमें यज्ञ या कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो ही फलीभूत होता है, उसका ही सही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो ये काल विधान शास्त्र की पूरी जानकारी आपको किसके अंदर मिलेगी, ज्योतिष में मिलेगी। और आपको पता है हमारे चार वेद होते हैं, चार वेद के अपने अपने ज्योतिष है, जिसमें से तीन नोन है, तीन पता है लेकिन एक का पता नहीं है। तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद का जो आचार्य ज्योतिषम है उसकी, उसमें जानकारी आपको पूरी मिलेगी, ठीक है, ऋग्वेद हो गया। दूसरा हमारा है यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करें तो यजुष ज्योतिषम करके है, यजुष ज्योतिषम, ठीक है। फिर हमारा एक आता है अथर्ववेद करके, इसका भी ज्योतिष हमें पता है, मतलब नॉन है इसका ज्योतिष, अथर्व, अथर्व वर्ण ज्योतिषम करके, अथर्व वर्ण ज्योतिषम करके। और फोर्थ बात करें सामवेद की, तो इसका अभी तक ज्योतिष जो है वो नॉन नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो काल विधान शास्त्र हमें किसके बारे में जानकारी देता है, ज्योतिष के बारे में जानकारी देता है। वेदांग ज्योतिष क्या बताते हैं, इसमें ऐसा माना गया है कि किसी नक्षत्र पर यदि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, यज्ञादि वगैरह कर रहे हैं, तो वो सफल होगा, अन्यथा सफल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और तीन हम जानते हैं वेद में, ऋग्वेद में आचार्य ज्योतिषम है, यजुर्वेद में यजुर ज्योतिषम है, अथर्ववेद में अथर्ववर्ण ज्योतिषम की जानकारी है, लेकिन सामवेद का ज्योतिष हमें ज्ञात अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 4 ये पूछ रहा है, इदम भवभूते नाटकेषु न अंतर्भवति, भवभूति के द्वारा जो नाटक रचित है, संस्कृत में बहुत सारे क्वेश्चन आपके नाटक के बनते हैं, कम से कम 15 से 16 तो आपको याद करके ही जाना है। सारे पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग एक ऐसा थ्योरी सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट जितना भी हमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, एक बार पहले सारे पेपर कंप्लीट हो जाए। तो अभी आपसे पूछा गया है कि अभवभूति के द्वारा नाटक रचित कौन सा नहीं है, प्रतिमान नाटकम, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम या फिर महावीर चरितम। तो भवभूति के द्वारा कौन सा नाटक रचित नहीं है, आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। प्रतिमान जो नाटकम है वो भवभूति नहीं लिखे थे, ठीक है। बाकी उत्तर रामचरित मानस की, उत्तर रामचरितम की आप बात करेंगे, आप मालती माधवम की बात करेंगे, आप महावीर चरितम की बात करेंगे, तो ये तीनों ही भवभूति में लिखे हैं, भवभूति ने लिखे। लेकिन प्रतिमान नाटकम जो है वो भास के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया, भास के द्वारा लिखा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम लोग कुछ नाटक की, हम लोग बात कर लेते हैं जैसे महावीर चरितम, ये तीनों तो आपने देख लिए कि ये भवभूति के द्वारा लिखे गए हैं। तो भास के द्वारा क्या लिखा गया, भास के द्वारा आप देख लो, भास के द्वारा लिखा गया प्रतिमान नाटकम,
ठीक है, ये भास्कर द्वारा लिखा गया है, एक उर्भंग करके, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो सकता है लेकिन आप एक आइडिया लगा लेना, उर्भंग करके इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, एक याज्ञफल है, याज्ञफल करके इनके द्वारा लिखा गया है, एक स्वप्न, स्वप्न दत्तम करके जो नाटक है वो भी हमारा भास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। भास के द्वारा प्रतिमान नाटकम लिखा गया, उर्भंग लिखा गया है, याज्ञफलम लिखा गया और स्वप्न दत्तम लिखा गया है, ठीक है। भवभूति का आप देख ही चुके हैं, एक क्षुद्रक जो है, यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लेते हैं, शुद्रक जो है इनके द्वारा लिखा गया है, मृच्छदीकम, मृच्छ कटिकम जो है इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक आते हैं दिनांग करके, दिनांग करके इनके द्वारा लिखा गया है, कुंदमाला, कुंदमाला दिनांग के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस आप जानते ही हैं, मुद्रा राक्षस जो है बहुत ही फेमस है, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस। और अगर अपन बात करें नागनंदन की, याद आ रहा होगा कुछ 10th में संस्कृत में पढ़े हम लोगों ने, नागनंदन और प्रियदर्शिका जो है किसके द्वारा लिखा गया है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। ऐसे वो और भी हैं बहुत सारे, कालिदास का आप जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमोवर्षीयम हो गया, मालविका अग्निमित्रम हो गया, ये कालिदास के द्वारा रचित है, ठीक है। इस तरीके से एक कपूर मंजरी करके आता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। तो देखो वन बाय वन करके आप ध्यान रख सकते हो, कपूर मंजरी, राजशेखर, भास के द्वारा प्रतिमान नाटकम, उर्भंग, याज्ञफल और स्वप्न दत्तम लिखा गया है, भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरित मानस, मालती माधवम, महावीर चरितम, शुद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, दिनांग के द्वारा कुंदमाला, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा और नागनंदन और प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। और अभी हमसे पूछा था कि भवभूति ने कौन सा नाटक नहीं लिखा है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये भवभूति द्वारा रचित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, व्याकरणस्य मुनि त्रये अयम अन्यतम, व्याकरण के मुनि की यहाँ पर बात हो रही है, भर्तृहरि, कात्यायन, सायणाचार्य और कणाद, तो इसमें से कौन है जो व्याकरण मुनि अन्य अन्यतम में आते हैं, तो कात्यायन आते हैं। अभी हमने देखा था 3 मुनियों के नाम हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, पाणिनि हो गए, कात्यायन हो गए, पतंजलि हो गए, तो अभी इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन दिख रहा है, कात्यायन दिख रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला है पंच महाभूतेषु इदम् न भवति, इनमें से पंच तत्व जो है उनमें कौन नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका जल है, दूसरा तेज है, तीसरा पृथ्वी है और फोर्थ आपका मन है, तो कौन यहाँ पर जो है पंच महाभूत जो पंच तत्व हम लोग मानते हैं उसके अंदर नहीं आता है, तो मन काउंट यहाँ पर नहीं होगा, आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है माघे मेघे गतम वयम के अंदर मेघ शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, माघे मेघे गतम वयम शब्द के अंदर जो मेघ शब्द है, ये वाला मेघ जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखो, अच्छा अगर आपको पंच तत्व देखने तो पंच तत्व भी आप देख सकते थे, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी हमारे पंच तत्व होते हैं, उसमें मन नहीं था तो मन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है माघे मेघे गत वयम में मेघ शब्द का अर्थ क्या होगा, तो सबसे पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए, तो ये जो लाइन यहाँ पर आपको लिखी गई है माघे मेघे गत वयम का मीनिंग होता है माघ व मेघ को लेकर सारी उम्र गुजार दी, तो ये जो यहाँ पर माघ है वो बात हो रही है कवि माघ की, ठीक है, ये कवि है, कवि माघ की यहाँ पर बात हो रही है और मेघे यानी कि जो मेघ दूतम है कविता उसकी यहाँ पर बात हो रही है, तो आपसे यही पूछा था कि ये जो मेघ है इस मेघ का मीनिंग क्या है, तो इस मेघ का मीनिंग है मेघ दूतम और जो फर्स्ट में लिखा हुआ है माघे, तो ये किसकी बात हो रही है, ये कवि माघ की बात हो रही है, कवि माघ और मेघदूतम कविता को लेकर सारी उम्र गुजार दी, तो इसमें सेकेंड वाला मेघ जो है वो मेघदूतम है और पहले वाला जो माघ है वो कवि है, कवि माघ की बात हो रही है, तो आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, वेद पुरुषस्य घ्राणम उच्यते, वेद पुरुष क्या मानते हैं, क्या ग्रहण करने को बोलते हैं, शिक्षा को, व्याकरण का निरुक्तम को या फिर कल्प को, तो वेद पुरुष मानते हैं ग्रहण करना, शिक्षा को, तो आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर
वन, ठीक। विद्याधनम इति असमास्य विद्याधनम जो है इसमें कौन सा समास है? विशेषण पूर्व पद है, अवधारणा पूर्व पद है, विशेषणों भय पद है या उपमान पूर्व पद है, तो विद्याधनम में हम लोग बोलेंगे अवधारणा पूर्व पद समास है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा पूर्व पद। अगला क्वेश्चन है, दिलीपस्य गो सेवा कस्मिन काव्ये वर्णिता। दिलीपस्य गो सेवा, जो दिलीप के द्वारा, दिलीप राजा के द्वारा जो गो सेवा की गई थी, फिर उनको जो एक हम लोग बोलते ना कि साधु के द्वारा जो एक दिया गया था, वो किसमें वर्णित है, किस काव्य में दिलीप राजा की कहानी का वर्णन किया गया था? कुमार संभवम में, शाकुंतला में, मालविका अग्निमित्रम में या फिर रघुवंश में? तो देखो ये रघुवंश में कालिदास के द्वारा जो रचित है रघुवंश, इसमें जानकारी मिलती है। दिलीपस्य राजा, शॉर्ट में बना देती हूँ, दिलीप राजा थे, इनको कोई भी पुत्र प्राप्ति नहीं थी, मतलब इस तरीके से संतान विहीन थे ये। फिर इन्होंने एक गाय पाली थी, ठीक है, गाय ने जब बछड़ा दिया, मतलब एक ऋषि वशिष्ठ से इनको ये गाय मिली थी, ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि तुम इसकी पूरे टाइम सेवा करना। तो एक बार ऐसा होता है कि गाय टहलते टहलते जंगल की साइड चली जाती है, तो शेर का शिकार बन जाती है वो। फिर दिलीप राजा जो है वो उसे जाकर छुड़वाते हैं और उस चीज से याचना करते हैं कि तुम इसे छोड़ दो, इसका बछड़ा इस पर वेट इसका घर पर इंतजार कर रहा होगा, इस तरीके से। लेकिन वो कुछ प्री प्लान था, इस तरीके से भगवान उनकी अग्नि परीक्षा, समथिंग बोलते हैं, अग्नि परीक्षा लेना चाहते थे कि वो इस सिचुएशन में किस तरीके से व्यवहार करते, क्या वो अपनी जान बचाते हैं या फिर उस गाय की कामधेनु की जान यहाँ पर बचाते हैं। तो जो राजा है वो गाय की जान बचाते हैं और सिंह शेर को बोलते हैं कि इसका बछड़ा जो है घर पर वेट कर रहा है, इसका इंतजार कर रहा है, आप इसे छोड़ दीजिए, बदले में आप, मैं आपका शिकार छीन रहा हूँ, तो आप मुझे अपना शिकार बना लीजिए। तो इस तरीके से वो अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा वर्णन है, फिर भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे देते हैं। तो इस तरीके से पूरी कथा जो है आपको रघुवंश के अंदर मिलती है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मैंने कुछ इसी तरीके से कहानी सुनी थी, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, बट हाँ कहानी कुछ इसी तरीके से थी ये। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मया आदित्य दृश्यते इतस्य वाक्य प्रयोगक, ये किस वाक्य के बारे में बता रहा है? क्या ये भाव बता रहा है, ये कर्मणि को बता रहा है, कर्ता कर्मणि को बता रहा है, या फिर ये कर्तरी को बता रहा है? मैं आदित्य देख सकता हूँ, सूर्य देख सकता हूँ, तो ये एक प्रकार से कर्मणि की बात हो रही है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान से अलग होना, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कर्मणि की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य से प्रमुख पात्र स्वीकृत्य विरचितम नाटकम किम। चाणक्य का जो प्रमुख पात्र है उसमें जो विरचित नाटकम है वो कौन सा है? मृच्छकटिकम है, ठीक है, दूसरा है मुद्रा राक्षसम है, तीसरा और रत्नावली है, और फोर्थ आपका ऑप्शन दिया हुआ है वेणी संहारम। तो चाणक्य प्रमुख पात्र के रूप में किस नाटक में वर्णन मिलेगा उसका आपसे ये पूछा गया है। तो इसकी पूरी जानकारी चाणक्य की और जो चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो बातचीत होती है, वो किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, अपने पूरे शासन करते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी आपको मुद्रा राक्षस के अंदर मिलती है। आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षसम। अगला क्वेश्चन है, आशीष इति शब्दस्य लिंगक। आशीष जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है, पुस्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो आशीष आपका एक प्रकार से स्त्रीलिंग होता है। आशीष का मीनिंग होता है आशीर्वाद देना, ठीक है, आशीर्वाद देना, कामना करना, तो ये स्त्रीलिंग में आता है। आंसर आपका बन गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगले की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बुद्ध चरितम इति महाकाव्य से प्रणेता क। बुद्ध चरितम जो है इस काव्य के प्रणेता यहाँ पर कौन है आपसे ये पूछा गया है। गौतम है, भवभूति है, अश्वघोष है या फिर बाण भट्ट है? तो बुद्ध चरितम जो ग्रंथ है उसके रचयिता अश्वघोष है, साथ में एक ग्रंथ और आता है सोदार नंद करके, उसके रचयिता भी आपके अश्वघोष ही है। तो बुद्ध चरितम इति महाकाव्य से प्रणेता अश्वघोष, और सोदार नंद भी पूछ ले तो उसके भी प्रणेता अश्वघोष ही है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुत्र अधिकम बलम दत्तम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे ज्यादा बल किसके ऊपर देती है? निर्देशन के ऊपर, अनुसंधान के ऊपर, परीक्षा मूल्यांकन के ऊपर या व्यावसायिक के ऊपर? तो व्यावसायिक के ऊपर ज्यादा बल देती है। ज्यादा से ज्यादा बच्चा आगे जाकर किस तरीके से शिक्षा का सदुपयोग कर पाएगा अपने जीवन काल में, उसके ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, क जैनस्य अंतिम तीर्थंकर अस्ति। अरिष्ट नेमी, आदित्यनाथ, महावीर स्वामी या फिर ऋषभ देव? तो अंतिम तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी, और प्रथम की बात करेंगे तो ऋषभदेव जी है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 तीर्थंकर होते हैं जैन में, ठीक है, सबसे पहले ऋषभ देव है और फोर्थ जो सबसे 24 नंबर पे है वो महावीर स्वामी है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्यंती इक प्रत्यय क, पश्यंती के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? शानच लगा हुआ है, ल्यप लगा हुआ है, श्रित लगा हुआ है या फिर त लगा हुआ है? तो पश्यंती के अंदर श्रित प्रत्यय हमारा लगेगा। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं और 10 दर्शन होते हैं, तो ये 18 पुराण आपके यहाँ पर हो गए। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र सिद्धांत से प्रतिपादकपन, जो क्षेत्र विधि होती है, जब हम लोग बिहेवियरिस्ट सीडीपी के अंदर बिहेवियरिस्ट थ्योरी व्यवहारवादी थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम लोग एक बी बराबर एफ पी एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लेविन है, कर्ट लेविन, पावला, इवान पेट्रोविच पावलाव है, टॉलमैन है जो चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, या फिर सी एल हल महोदय है। तो क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे कर्ट लेविन है, ठीक है? तो ये लेविन महोदय आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला है वैशेषिक दर्शन से प्रवर्तक का, वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन है? कणाद है, गौतम है, कपिल है या फिर व्यास है? तो वैशेषिक दर्शन जो शास्त्र है इसके प्रवर्तक जो है कणाद है। क्या होता है वैशेषिक दर्शन में? आत्मदर्शन विचार प्रस्तुत यहाँ पर किए जाते हैं, तो इसके रचयिता जो है महर्षि कणाद है। आंसर आपका बन गया ऑप्शन नंबर 1। हेनरी कॉल्डवेल कुक द्वारा प्रतिपादित विधि कौन सी है? क्रीड़ा विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, ह्यूरिस्टिक मेथड है या फिर मॉन्टेसरी विधि है? तो हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा क्रीड़ा विधि, खेल विधि के जनक उनको माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतले अगला प्रश्न, कति अंका वर्तते? अभिज्ञान शाकुंतलम में टोटल कितने अंक है? तो कालिदास द्वारा रचित है, ठीक है? दुष्यंत और शकुंतला की कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है? अब इसमें कितने अंक होते हैं? तो इसमें 7 अंक होते हैं। आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, कारकेषु स्वतंत्र कः, इनमें से कारक से स्वतंत्र कौन है? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने कर्णम, दूसरा है कर्म, तीसरा है कर्ता और फोर्थ है संप्रदान। तो कर्ता हमेशा कारक से स्वतंत्र होता है, ठीक है? तो आंसर आपका बन गया ऑप्शन नंबर सी, कर्ता हमेशा कारक से स्वतंत्र रहेगा, ठीक है? और इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें विभक्ति का भी लोप होता है, संज्ञा सर्वनाम आप इसके अंदर देख सकते हो, तो आंसर इसीलिए बन गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला है शिक्षा एक प्रकार की क्या है? गत्यात्मिका है, यादृच्छिका है, स्थूल भूता या फिर स्थिर भूता है? स्थिर, स्थूल और यादृच्छिक रैंडम होने वाली चीजें हम लोग नहीं बोलेंगे, गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है? तो गत्यात्मिका प्रक्रिया हो जाएगी। तो आंसर आपका बन गया ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा एका प्रकारिका क्रिया वर्तते गत्यात्मिका। जिन पियाजे महोदय कस्य सिद्धांत से प्रवर्तक? जिन पियाजे महोदय के सिद्धांत के प्रवर्तक है? बुद्धि संरचना के, प्रयोग के, सक्रिय के, संज्ञान के, कॉग्निशन की बात ही करते हैं जिन पियाजे, तो जिन पियाजे महोदय जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, राइट? अगला क्वेश्चन है विद्यालय बालकस्य से ऊपरी कस्य केशा प्रभाव अधिक वर्तते है? विद्यार्थियों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका देखने को मिलता है? सबसे पहले अध्यापक का ही, सहपाठी का, तीसरा पुस्तक का या फिर क्रीड़ा समूह का? तो विद्यालय के जो बालक होते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव अध्यापक का देखने को मिलता है। अध्यापक का व्यवहार, बात करने का तरीका कहीं ना कहीं बच्चों की प्रवृत्ति में झलकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव अध्यापक का बच्चों के जीवन में पड़ता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है आकार दृष्टि या बृहत्तम उपनिषद ग्रंथ का, आकार दृष्टि के अनुसार सबसे बड़ा ग्रंथ यहाँ पर कौन सा है? ये आपसे पूछा गया कि आकार दृष्टि के अनुसार बताइए सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? प्रश्नोपनिषद है, श्वेता शतोपनिषद है, छंदोग्योपनिषद है या फिर बृहदारण्यकोपनिषद है? तो सबसे बड़ा ग्रंथ जो है हमारा बृहदारण्यकोपनिषद है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा है। अगर सबसे छोटी की बात करें, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। टोटल हम लोग बात करें, टोटल उपनिषद जो होते हैं वो कितने होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 200 उपनिषद है टोटल, और उसमें से जो है 13 इंपॉर्टेंट है, मतलब 13 उपनिषद के नाम हमें पता होना चाहिए। पॉसिबल हुआ तो अगले सेशन में हम लोग सारे नाम डिस्कस भी कर लेंगे। तो सबसे बड़ा तो अभी आपको यहाँ पर दिया है बृहदारण्य को उपनिषद सबसे बड़ा है, और एक आता है मांडू, मांडू के उपनिषद जो है सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ठीक है? और सबसे बड़े की बात करेंगे तो बृहदारण्य को उपनिषद जो है आदि शंकर द्वारा रचित, ये सबसे बड़ा है। आंसर आपका बन गया ऑप्शन नंबर डी, ओके? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर स्क्रीन। अब आपसे पूछा गया है सबसे इंपॉर्टेंट कि वकारदि पुराणेषु इदम् न भवति, इनमें से कौन सा पुराण नहीं है? वायु, वामन, विराट और विष्णु। हम लोग बहुत सारे पुराण सुनते हैं, हमारे गांव शहर में पुराण बचते हैं, उनको पढ़ा जाता है, तो उसमें से कौन सा आपने नहीं सुना होगा? तो देखो विराट नहीं होता है, बाकी होते हैं, वायु पुराण होता है, वामन पुराण होता है, विष्णु पुराण होता है, ठीक है? तो इतने पुराण होते हैं, आप और भी देख सकते हैं, कुछ के नाम जो मुझे याद है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं।
देखो कौन कौन से होते हैं, एक ब्रह्म पुराण होता है, ठीक है, एक पद्म पुराण होता है, क्योंकि अभी देखो पूछा हुआ है तो हो सकता है कि अगली बार भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक विष्णु पुराण होता है, वायु पुराण होता है। चलो अच्छे से लिख लेते ताकि आपको लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। वायु पुराण, ब्रह्म पुराण होता है, एक अभी अपन ने लिखा था पद्म पुराण होता है, एक विष्णु पुराण होता है, ठीक है, एक भागवत पुराण होता है, एक नारद पुराण होता है, एक मार्कंडेय पुराण होता है। विष्णु पुराण तो हम सभी ने सुना होता है, नारद मार्कंडेय पुराण होता है, एक अग्नि पुराण होता है, एक हमारा भविष्य पुराण होता है, एक हमारा ब्रह्म वेवर्त पुराण होता है, एक लिंग पुराण होता है, एक स्कंद पुराण होता है, एक वामन पुराण होता है, एक मत्स्य पुराण होता है, इसके बारे में भी बहुत सुन रखा है मत्स्य पुराण के बारे में, और एक कूर्म पुराण होता है। ऐसे एक दो और होते हैं, वायु हो गया, ब्रह्म हो गया, पद्म हो गया, विष्णु हो गया, भागवत हो गया, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वेवर्त पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण होता है, वामन पुराण होता है, मत्स्य पुराण होता है, और कूर्म पुराण होता है। एक ब्रह्म वेवर्त लिख लिया, हाँ चलो ये सारे पुराण होते हैं इसके अंदर। चलिए और भी कोई अगर रह गया होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, यदि आपको ध्यान है तो। ओके, तो ये इस तरीके के पुराण होते थे, इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो इसमें विराट पुराण नहीं होता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है निरुक्तस्य प्रणेता क, जो निरुक्तस्य है इसके प्रणेता कौन है, सायण है, यास्क है, पाणिनि है, या फिर शाकटियान है। जो निरुक्तस्य है इसके प्रणेता यास्क मुनि है। आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यास्क जो है वो निरुक्तस्य प्रणेता, निरुक्तस्य जो है इसके प्रणेता है। इसमें क्या है, इसमें वेदों की व्याख्या की गई है। अगला है कोठारी आयोग से अपर नाम किम, कोठारी आयोग जो है इसका एक और नाम क्या है, महिला आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या फिर बाल शिक्षा आयोग। तो कोठारी आयोग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोठारी आयोग को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है इसके नाम से जानते हैं। आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए। कुछ हमने ग्रंथ के नाम देखे हैं, कुछ हमने पुराण के नाम देखे हैं, तो उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, और अब हुआ तो हम लोग एक बार एक थ्योरी सेशन करेंगे जिसमें हम लोग ये सारी चीजें वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, और कल वापस इसी टाइम पर हम लोग इसके रिमेनिंग 30 क्वेश्चन जो है उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा।